दोस्तों तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्राइट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SQLite डाटाबेस के ओन अपग्रेड मेथड के बारे में। तो अब तक की वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि अपने डाटाबेस में टेबल को कैसे बनाना है, उसमें डाटा को इंसर्ट कैसे करना है, अपडेट और डिलीट क्वेरी कैसे लगानी है, सिलेक्ट क्वेरी के बारे में हमने बात करी थी, और साथ ही साथ डाटा को डिस्प्ले करना है कैसे करना है। और आज हम बात करेंगे ओन अपग्रेड मेथड के बारे में, जो कि वाला मेथड है। तो बेसिकली ऑन अपग्रेड मेथड कॉल होता है जब आपके डाटाबेस में कोई चेंजेस होते हैं। चेंजेस जैसे कि कैसे चेंजेस, जैसे आपने डाटाबेस में कुछ अपडेट किया, जो कि मैंने पिछली बार किया था, बिना डाटाबेस जो अपडेट हमने कुछ अपडेट किया, हमने कुछ डिलीट किया, तो इससे क्या हमारे डाटाबेस में चेंजेस होंगे और हमारा ऑन अपग्रेड मेथड कॉल होगा। तो आप कहेंगे कि चेंजेस हमने पिछली बार भी किए थे, तो पिछली बार क्या मेथड कॉल हुआ था? जी हाँ, तो पिछली बार मेथड कॉल हुआ था, लेकिन क्योंकि हमने इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा है तो हमें पता नहीं चला था कि कॉल हुआ या नहीं हुआ। तो अब चेक करने के लिए मेथड कॉल हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, टोस्ट मैसेज सेट करेंगे इसके अंदर। हम टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट कंटेक्स्ट पास करना, में उससे पहले अपना स्ट्रिंग मैसेज पास करते हैं, वो क्या हमारा ऑन अपग्रेड मेथड इज कॉल्ड। फिर टोस्ट लेंथ सेट करते हैं, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। और अपने कंटेक्स्ट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कंटेक्स्ट टाइप का, तो कंटेक्स्ट नाम देंगे कंटेक्स्ट। और ये जो हमें कंस्ट्रक्टर से हमने कंस्ट्रक्ट कंटेक्स्ट मिल रहा है ना, इसको इसके इक्वल कर देंगे, तो दिस डॉट कंटेक्स्ट इक्वल टू कंटेक्स्ट। तो ये जो कंटेक्स्ट है, दिस डॉट कंटेक्स्ट, ये दिस वाला जो कंटेक्स्ट है, ये रेफर कर रहा है हमने जो वेरिएबल बनाया है। और ये जो कंटेक्स्ट हमने इक्वल टू में किया है, ये हमें वो कंटेक्स्ट है जो हमें मिल रहा है अपने इस कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। और पास कर देंगे इसको यहाँ पे। तो अब जब भी कोई चेंज होगा तो हमारे वाला मेथड कॉल होगा, और हमने इसको टेक्स्ट पास कर दिया और टोस्ट मैसेज हमें दिखाएगा। तो कोई चेंज करते अपने इसमें, तो हम क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे डाटाबेस डॉट अपडेट, टेबल का नाम देंगे जो कि स्टूडेंट्स। फिर हमें पास करना है अपनी एक वैल्यूज, तो वैल्यूज में हम कुछ ऐड करते हैं, जो वैल्यूज वाला हमने ऑब्जेक्ट थ्री वीडियो में बनाया था, इसको ही पास कर देते हैं, तो वैल्यूज। फिर हमें क्या पास करना है, अपना वेयर क्लोज, तो वेयर में सेट करूँ मैं, वेयर में सेट करता हूँ ब्रांच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ब्रांच हमने वेयर क्लोज में सेट कर दिया है, और एक स्ट्रिंग एरे पास करेंगे, तो न्यू स्ट्रिंग एरे, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल, मतलब जिनकी भी ब्रांच इलेक्ट्रिकल होगी उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी सैलरी की वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे कंटेंट वैल्यूज में सैलरी नाम का जो है वो वैल्यू है, तो सैलरी उनकी 9754 हो जाएगी, आप देख सकते हैं। कर देंगे इसको क्लोज। अब एक लास्ट जो हमें करनी है वो ये हमारा जो डाटाबेस का वर्जन है ना, वो हमें चेंज करना होगा। क्यों ऐसे किया हमने, तो बेसिकली जैसे आप अपनी डाटा अपनी ऐप को अपने प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दिया, तो आपने उसमें एक डाटाबेस डाल रखा है जिसका वर्जन फिलहाल बनना है। तो आप जब अपनी डाटाबेस को चेंजेस करना है ना, तो आप एक नया वर्जन ला के अपने प्ले स्टोर को भेजोगे कि हमने कोई चेंजेस करें हैं, तो वो यूज़र को बताएगा कि इसमें अपडेट आया आपके ऐप का, तो आप अपडेट कर सकते हैं और उसमें नया वर्जन वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसलिए हम इस वर्जन को चेंज करके 1 से 2 कर देते हैं, या कुछ भी आप कर सकते हैं, मतलब मैं 2 कर रहा हूँ फिलहाल। और करते हैं एप्लीकेशन को रन। तुम्हारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है अभी। और जैसे आप एप्स ये देख सकते हैं, आपने नीचे भी टोस्ट मैसेज जिसने दिखाया था ऑन अपग्रेड इज कॉल्ड, मतलब हमारी एप्लीकेशन रन होते ही ऑन अपग्रेड मेथड कॉल हुआ। और आप देख सकते हैं कि जिनकी भी सैलरी जिनकी भी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी उनकी सैलरी 9754 कर दी इसने, जबकि पहले जो सैलरी थी वो थी 34.54 54.90। तो ये था ऑन अपग्रेड मेथड के बारे में। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अपनी वीडियो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल स्टोरेज के बारे में, कि हमने क्या क्या बात कर ली अब तक। हमने बात कर ली कि फाइल को शेयर्ड प्रेफरेंस में कैसे स्टोर कराते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस का जो डाटा होता है वो एक्सएमएल फाइल में स्टोर होता है। फिर हमने बात करी कि इंटरनल स्टोरेज में कैसे स्टोर कराना है फाइल को। फिर आज हमने बात कर चुके हैं SQL पे कि SQL डाटाबेस में कैसे डाटा को स्टोर कराना है, और अगले वीडियो में बात करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज में कैसे कराना है। तो एक्सटर्नल स्टोरेज में जो हम डाटा स्टोर कराते हैं वो काफ़ी हद तक सेम होते हैं इंटरनल स्टोरेज की तरह, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे उसको एक बार। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।